वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है सूरदास के पद का, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। एक ही लाइन में हम इनका जवाब देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि ने पद में किस भाषा का प्रयोग किया है? कवि ने पद में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों की भाषा में किस भाव की अधिकता है? गोपियों की भाषा में व्यंग्य भाव की अधिकता है। प्रश्न है, पद में किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है अनुप्रास, उपमा और रूपक। तीन अलंकार यूज किए हैं, अनुप्रास, उपमा और रूपक। चौथा प्रश्न है, गोपियों के प्रेम भाव में निहित विशिष्टता को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आएगा निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम उनकी विशेषता है। प्रश्न है, यह पद किस काव्य विधा से संबंधित है? तो इसका उत्तर है नीति काव्य से। इस पद में कौन सा काव्य गुण प्रधान है? माधुर्य गुण। उत्तर होगा माधुर्य गुण। प्रश्न है, अति बड़भागी में कौन सी शब्द शक्ति निहित है? तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसका प्रयोग किया गया है। भक्ति काल के किस भाग से इस पद का संबंध है? कृष्ण भक्ति का वैसे संबंध है। प्रश्न है, गोपियों का कथन किस भाव मुद्रा से संबंधित है? वक्रोक्ति भाव मुद्रा से संबंधित है। पद को संगीतात्मकता किस गुण ने प्रदान की है? छंद प्रयोग और स्वर मैत्री ने। प्रश्न है, किन्हीं दो प्रयुक्त तद्भव शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर अपरस और स्नेह दो शब्दों का प्रयोग किया है जो तद्भव हैं इस पद में, यानी फर्स्ट स्टेंजा की बात चल रही है सूरदास के पद जो पाठ है उसकी।